हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कन्वर्जिंग लेंस पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एज वन ऑफ द वन ऑफ मूव एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड ऑन इट्स पैरेलल एक्सिस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमने बात करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर कन्वर्जिंग लेंस पे, ठीक है, दो पैरेलल बीम्स फॉल करती हैं तो क्या होगा। ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा कोई लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। यहां से एक बीम आई एंड द सेकेंड बीम इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल बीम्स हैं, ओके, इस तरह से मान लो, ठीक है, पैरेलल बीम्स हैं। पहली तो इससे कर्वेचर से निकल रही है, ठीक है, सेंटर से निकल रही है, तो ये अनडिविएटेड रहेगी, यानी कि इस पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, सेकेंड की बात करूं तो ये क्या करेगा, अब ये कन्वर्जिंग लेंस है हमारा, क्या है ये, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करेगा, इन रेस को कन्वर्ज करेगा एट अ पॉइंट, ठीक है। अब वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से रेज आगे जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो इस तरह से रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन निकल जाएंगी, ओके। अब देखो, तो बिफोर रीचिंग द कर्वेचर, तो बेसिकली क्या होगा कि जब हम पैरेलल वेज की बात करते हैं तो ये कलेक्ट कहाँ पे हो रही है, फोकस पे हो रही है, कलेक्ट कहाँ पे हो रही है, इसके फोकस पे, ये पैरेलल रेज आफ्टर कन्वर्जिंग ये फोकस पे उसके कलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो अब फोकस पे पहुंचने से पहले, बिफोर रीचिंग द फोकस, बिफोर रीचिंग द फोकस द रेज कन्वर्ज, ठीक है। तो रेज क्या होती है, पहले कन्वर्ज होती है, भाई देखो यहां से रेज आई तो पहले ये कन्वर्ज हुई ना यहाँ पे, देन ये फोकस पे मीट कर रही है, तो लिख सकते हैं द रेज कन्वर्ज सो द इंटेंसिटी इंक्रीजेस, सो द इंटेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। यानी कि देखो, उस फोकस पे पहुंचने से पहले रेस क्या हो रही है, कन्वर्ज होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे जैसे रेस कन्वर्ज होना स्टार्ट हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड जैसे ही वो फोकस पे मीट कर देती है, ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे ही वो मीट करती है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, एट फोकस इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी क्या हो रही है, फोकस पे मैक्सिमम। अब देखो, फोकस से जस्ट आफ्टर देखेंगे तो ये रेस क्या है, डाइवर्ज होना शुरू हो रही है, ठीक है, फोकस पे मीट करने के बाद ये रेस क्या हो रही है, डाइवर्ज होना शुरू हो रही है, ठीक है। तो आफ्टर द रीच द फोकस द रेज स्टार्ट डाइवर्जिंग, ठीक है। अब डाइवर्ज होना स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी क्या होगी, इनकी डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, ठीक है, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि अब रेस क्या, एक दूसरे से दूर जा रही है, दूर भाग रही है एक दूसरे से। तो अगर दूर भाग रही है यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस नहीं है, अब ये रेस कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, तो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो अब इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, दैट इज फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।